वाव वाव बूम गजब। ये दोस्तों ये मान के चलिए कि अगर आपके पास BS4 बाइक है और अगर BS6 आपने चला लिया तो ये यकीन मानिए कि आप जो है भूल जाएंगे BS4 बाइक चलाना, ये इतना समझ लीजिए आप। अब इसको ज़रा खींच के चला के दिखाते हैं। चार गियर दोस्तों हमने डाल दिया, ठीक है, फोर गियर में है हम। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक जेटेक अपडेट। दोस्तों जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम जो है स्प्लेंडर प्लस का राइड रिव्यू करेंगे, तो दोस्तों अब ये वीडियो रही आपकी राइड रिव्यू वाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइक हमने स्टार्ट कर रखी है और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं न्यूट्रल है, FI, ये देखिए आप इग्निशन हम आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये रही चाबी और यहाँ पर आन के हमने, तो ये इग्निशन इस तरीके से ऑन हुआ बाइक, ठीक। यहाँ पर न्यूट्रल है और उसके बाद साइड स्टैंड अगर हम लगाएंगे तो ये देखिए लाइट बिल्कुल ऑन हो गई, ठीक। तो अब इसको हम इसको चला के दिखाते हैं आपको, साउंड पहले सुना देते हैं। तो भैया चार गियर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट गियर हमने नीचे डाला और यहाँ पर हो गई न्यूट्रल लाइट बंद, ठीक है। तो काफ़ी भैया पिकअप ज़्यादा इसमें लग रहा है, ये देखिए पिकअप बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, और वाव वाव बूम गजब। ये दोस्तों ये मान के चलिए कि अगर आपके पास BS4 बाइक है और अगर BS6 आपने चला लिया तो ये यकीन मानिए कि आप जो है भूल जाएंगे BS4 बाइक चलाना, ये इतना समझ लीजिए आप। अब इसको ज़रा खींच के चला के दिखाते हैं। चार गियर दोस्तों हमने डाल दिया, ठीक है, फोर गियर में है हम। और यहाँ पर आप देखेंगे 50-60 की स्पीड में भी हम चला रहे हैं तो भी ये बाइक जो है इंजन में कोई घजघजाहट या कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। 50 बिल्कुल आप समझ लीजिए कि इंजन में आपको कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं मिल रहा है दोस्तों, बिल्कुल खाली हूँ का साउंड मिल रहा है, जो काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको चलाने पे दोस्तों। अच्छा एक बात और, रिग्रेट फील हो रहा है दोस्तों, क्योंकि एक जब न्यू बाइक लो ना थोड़ा सा अलग फील होता ही है, वो फील इसमें हो रहा है दोस्तों। इस बाइक में काफ़ी अच्छा है, उसके बाद सीटिंग भी काफ़ी बढ़िया है क्योंकि बैठने का मतलब अच्छा है, उसके बाद हैंडलिंग भी काफ़ी बढ़िया हो रही है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम हम आपको चेक करवाते हैं थोड़ा सा और स्पीड में लेकर, ब्रेक किस तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों ये बाइक का ऑन रोड अगर प्राइस की हम बात करें तो प्राइस फिर पड़ गई है, 77-78 हज़ार में पहले थी और अब ये बाइक आप कर सकते हैं स्क्रीन पर, काफ़ी बढ़िया पसंद है दोस्तों, भी मज़ा भी दोस्तों आ रहा है चलाने में। अगर इसके ब्रेकिंग की बात करें दोस्तों तो ब्रेक हम थोड़ा सा लेकर देखते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों सुपर स्प्लेंडर के तरीके से थोड़ा ब्रेक आपको यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा क्योंकि उसमें और इसमें ब्रेक में काफ़ी फर्क है, लेकिन ब्रेक अच्छा काम कर रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करवाना पड़ेगा, बाकी ब्रेक सही काम कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हम फिर से इसको थोड़ा ब्रेक को हम एडजस्ट करेंगे, उसके बाद दोस्तों चलाएंगे क्योंकि ब्रेक यहाँ पर बहुत ज़्यादा दबाना पड़ रहा है, अगला और पिछला दोनों दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हमें नीचे मारना पड़ रहा है। तो यहाँ से हम ब्रेक को एडजस्ट करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर आप, इसको हम टाइट करेंगे तो ये ब्रेक जो है ये आगे और ये पीछे ये एडजस्ट हो जाएगा। मार के देखो तो अब सही है, थोड़ा सा और हम ले लेंगे, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों अगर ब्रेक कम थोड़ा लग रही है, सही है ठीक। अब फिर से हम दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं लाइट और इसका फिर से एक बार हम राइड कर सकते हैं, पीछे वाला दोस्तों काफ़ी नीचे है तो इसको हम पीछे वाला भी राइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं ब्रेक को, ये देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे लग रही है तो यहाँ से आप टाइट कर सकते हैं, अभी भी बहुत
नीचे जा रही है। ये ज़्यादा ऊपर रहेगा दोस्तों काफ़ी थोड़ा सूटेबल होगा आपके लिए। अब फिर से हम इसको करते हैं तो ऑलरेडी स्टार्ट है और यहाँ पर हम आई थ्री एस का भी थोड़ा सा आई थ्री एस ये मॉडल नहीं दोस्तों तो सेल्फ लेते हैं और ये बाइक स्टार्ट और स्टार्ट होने के बाद ये फाइल लाइट बंद हो जाए क्योंकि अगर आप इग्निशन ऑन करेंगे तो यहाँ पर फाइल लाइट जल गई लेकिन जैसे बाइक स्टार्ट करोगे ये अपने आप ऑफ हो जाएगी। ठीक यहाँ पर हम फर्स्ट गियर डालते हैं। पिकअप आप देख सकते हैं कितने तरीके से उछल रही है बाइक। पिकअप बहुत ही बढ़िया दोस्तों पहले से काफ़ी अच्छा पिकअप हो गया इस बाइक में। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं बैक साइड से आपको इसका एंगल दिखाता हूँ कि किस तरीके से बाइक चल रही है दोस्तों। अब ब्रेक बहुत ही बढ़िया लग रहा है तो इसको हम दिखाते हैं आपको कि इसका जो है किस तरीके से बाइक दोस्तों चल रही है। ठीक है तो इसका थोड़ा सा लेफ्ट साइड भी हम आपको दिखाते हैं और उसके कुछ आगे हम आपको फीचर भी दोस्तों दिखाते हैं। पिकअप आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पिकअप है। ये देखिए पिकअप बहुत ही बढ़िया दोस्तों और इसको चलाने के बाद मुझे कैसा लगा ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलाने पे दोस्तों जैसे कि पहले की बाइक में था कि जब स्टार्ट करो बाइक जैसे कि अगर काफ़ी दिन से बंद है तो पहले की बाइक जब स्टार्ट हम करते थे तो आपको एक्सीलेटर दोस्तों ज़्यादा लेना पड़ता था यानी कि जैसे कि अगर काफ़ी दिन से बंद है बाइक तो आप ज़्यादा जब एक्सीलेटर लेते थे तो आपकी बाइक जैसे मौसम पकड़ती थी नहीं तो दबती थी बाइक। जैसे कि स्टार्ट अगर किए देखिए यानी कि तुरंत ये जो है स्पीड पकड़ रही। अब साउंड आप इसका सुन सकते हो यानी 5 किलोमीटर हम इसको चला चुके हैं। आप देख सकते हैं 3 किलोमीटर हम इसको चला चुके हैं और 3 किलोमीटर के बाद आप साउंड इसका सुन सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे लगा कि पहले के बाइक से ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि अगर आप स्टार्ट करेंगे तो तुरंत ये डर से आपका मौसम बनाएगी। ठीक डर से स्पीड पकड़ेगी और यहाँ पर आप देख लीजिए लाइट आपको काफ़ी बढ़िया मिल रही है दोस्तों और मुझे पिकअप काफ़ी अच्छा लगा और लाइट का फीचर बढ़िया लगा दोस्तों। उसके बाद इसका ब्रेकिंग का सिस्टम भी काफ़ी अच्छा लगा और मैंने आपको वीडियो में ही बता दिया है कि वीडियो ब्रेक को एडजस्ट करना। ठीक है कम ज़्यादा हो तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और सस्पेंशन भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा दोस्तों। काम काफ़ी अच्छा किया साकर इसका काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ठीक है तो यहाँ पर जो है इसका पिकअप भी बढ़िया लगा और इसका जो है एवरेज अगर बात करें तो लगभग दोस्तों 65+ एवरेज है इसका यानी कि 65 से 70 का एवरेज आप मान के चलिए कि बाइक 100% दे देगी। 70 से एवरेज आपको कम नहीं मिलेगा दोस्तों। अब इसको हम थोड़ा सा आपको एंगल चला के दिखाते हैं वीडियो में कि किस तरीके से बाइक आपको लुक देती है कैसे आपको ये दिखेगी चला के चलने में। ठीक है